Who is Cyrus Barucha? इस इंसान को कौन कौन जानता है? आप में से जो भी लोग जानते हैं, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ कि आप मेरे बताने से पहले से ऑलरेडी जानते थे कि Who is Cyrus Barucha? देखो, MTV बकरा का नाम अगर सुना है तो तुम जिंदा है, है? नहीं मैं वैसी आवाज में बात नहीं कर रहा। तो MTV बकरा यूं समझ लो, आज के डेट में जो लड़के लोग जाके कैमरा उठा करके प्रैंक करते हैं, प्रैंक के नाम पे सब करने के बाद अगर पिटने की बारी आती है तो एक मिनट वहां रहा कैमरा, आपके साथ प्रैंक हो रहा था। तो मतलब ये वाली चीज जो है ना, बरसों पहले मतलब अर्ली 2000 के टाइम पे ही हो चुका है, और उस टाइम पे साइरस बरूचा वॉज द हॉट टॉपिक। साइरस बरूचा को लोग ढूंढते थे कि कहीं ये रूप बदल करके हमारा फिर से बकरा बनाने तो नहीं ना आ गया। कोई भी अगर मस्ती करता था तो यही लगता था कि कहीं ये साला साइरस बरूचा तो नहीं ना है, जो कि भाई बदल करके आ गया साइरस और हमें उल्लू बना रहा है। अब बाद में बोलेगा MTV बकरा बन गए। तो हाँ, ये वही बंदा है जिसके वजह से हमें रेडियो में भी सुनने को मिलता है दिल्ली का डॉन नावेद मिर्ची मुर्गा। तो भाई यही है वो बंदा, और इस बंदे ने इतना काम किया है ना, इतना काम किया, यूं समझ लो कि अपना एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ गई उसको देख करके स्टेज पे कि भाई ये वही बंदा है और इतना बुड्ढा हो गया है। आज भाई साहब जो है अपने प्रॉब्लम्स के साथ में लड़ रहे हैं ऐसा लगा मुझे, क्योंकि कह रहा है कि वो 16 ही चाहिए उसको, AC 16 पे चाहिए, और उसका बेड जो है एकदम टॉयलेट के पास चाहिए, कि यूं 6 सेकंड में अंदर 6 सेकंड में बाहर, मतलब कुछ ऐसा उसने कहा। तो भाई देखने के बाद इतना समझ में आया कि ये बंदा जो है ना बहुत बहुत कंफर्टेबल हो चुका है, इतने काम किए हैं और इतने ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिल चुकी है ना उसको। आज ये बंदा 50 प्लस है, अपने मुंह से कह रहा है कि बेटा कॉल मी अंकल, सर्वर नहीं अंकल बोल, तो मतलब वो ह्यूमर आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये भाई साहब अगर घर के अंदर जा रहे हैं तो भाई सोचो कितना ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखो, इस बंदे को उंगली मत करना, क्योंकि ये एक सोता हुआ शेर है, इसको उंगली किए तो भाई चीड़ फाड़ के रख देगा और दिमाग घूम ही ना भाई। पुनीत सुपरस्टार के टाइम पे भाई साहब जो है ना एकदम दिमाग घूम चुकी थी और कह रहे थे अच्छा हाँ वो एयरपोर्ट के बाहर ना साइकिल से तू जाएगा ना, मतलब बीच बीच में अपना ह्यूमर डाल रहे थे, वो कंट्रोल किए जा रहे भाई। साइरस जो है ना अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए और बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा मेंटेन करना, थोड़ा संभालना, इस तरह का एटीट्यूड है। समझो इस 6 हफ्ते के अंदर में अगर किसी के साथ में पंगा हो गया बहुत बवाल होने वाला। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर साइरस, और भाई ह्यूज फैन मैं, भाई बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। MTV बकरा शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। हाँ, वो अभी वाले जो इंस्टाग्राम रील्स वाले हैं जिन्होंने इससे पहले टीवी का थोड़ा ढंग से देखा नहीं है उनको नहीं पता होगा। आप बताओ आप कौन से जनरेशन से और आपको साइरस के बारे में क्या पता है, कमेंट सेक्शन में बताना। हाउ इट वॉज, मतलब क्या फीलिंग थी बताओ ना यार, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।